हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम। मैं रेखा सिन्हा अपने चैनल रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और खुश भी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और तीनों लोग चले गए हैं मेरे घर के और मैं अभी घर में बिल्कुल अकेली हूँ। और मेरा जो रोज़ाना का काम है साफ़ सफ़ाई का, वो मैं कर रही हूँ। डस्टिंग, क्लीनिंग, अरेंजिंग सारा कुछ कर रही हूँ। मेरा गाना चल रहा है लेकिन मैं ऑडियो नहीं दे सकती हूँ, आपको पता है। और मैं साथ साथ में अपना डांस कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। मतलब बहुत इंजॉय करती हूँ अपने काम को, ज़रा भी मतलब बोझ नहीं लगता है। उसके बाद अब मैं एक बार और बता दूँ कि आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना है सारे विंडोज़ को, मतलब लिविंग रूम का एरिया जो है ना, जो भी कबर्ड है सामने में वो, और मेरा दोनों विंडो, सबको डीप क्लीन करूँगी। थोड़ा सा आज मूड आ गया है और गंदा भी हो गया है, दोनों चीज़ है। अगर मूड आ जाना तो मैं आराम से 2-4 घंटे लगातार काम करती रहती हूँ। पहले डस्टिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं विंडो को क्लीन करूँगी। और आज का जो टॉपिक है ना, कि लोग कह सकते हैं कि मतलब कंजूस है, किसी मतलब किसी लेबर को रख के सारा काम करवाया सकता था, पंखा क्लीनिंग का काम या फिर, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ना कि ये सब काम मैं जब खुद कर सकती हूँ तो कर लूँ। फिजूल खर्ची कहलाने से तो अच्छा है कि मैं कंजूस कहलाऊँ। और कंजूस से भी कोई ऐसी बात नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे खर्च करने को कंजूस नहीं कहते हैं। हाँ, फिजूल खर्च ज़रूर ना करें और जो काम खुद कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम लेबर से कराया जाए या मेड से कराया जाए। तो मैं तो, मुझे तो लगता है कि जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्स्ट्रा वॉकिंग करते हैं, तो क्यों ना घर का जो सारा काम है अगर आप वो कर लेना, तो किसी भी वॉकिंग और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। हाँ, योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मैं इसी रूल को फॉलो करती हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। मैं सारा काम घर का करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि काम भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी समझिए हो जाता है और फिटनेस भी और सब कुछ। तो ये विंडो है, सबसे पहले मैंने भींगा कपड़ा से इसको, स्लाइडर है तो पोंछ दी हूँ। और एक फॉर्क की सहायता से मैं कपड़ा नीचे में डाल डाल करके सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। विंडो तो पूरा क्लीन हो गया था लेकिन वो जो सारा कचरा था ना, वो साइड साइड में जमा हो गया था, वो निकल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं निकल रहा था, तो फिर मुझे वैक्यूम क्लीनर लाना पड़ा सारा कचरा को निकालने के लिए, मतलब वहाँ से खींचने के लिए। ऐसे चम्मच से सारा जो है ना, ये जो देखिए जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम का जो भी लगा हुआ है, तो वो एकदम साफ़ हो गया था, बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वो कचरा जो था वो निकल ही नहीं रहा था। इसलिए मुझे वैक्यूम क्लीनर आना पड़ा सारा कचरे को खींचने के लिए। और थोड़ा सा टाइम लगा और मेहनत भी लगा, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है ना अच्छा, तो बस काम का जो सारे थकावट और सारा मतलब कि जो मतलब मेहनत है ना, वो सफल हो जाता है और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा तो मेहनत है ये वाला काम में, मैं अच्छे से करने से 2-3 घंटा आराम से लग जाता है। मेरे 3 विंडो हैं, तीनों विंडो को मैं साफ़ की इस तरह से वैक्यूम क्लीन करके, तो टाइम तो लगा लेकिन अच्छा लगा जब बाद में। यहाँ पे ना मेरा पीछे साइड में गमला है तो उसकी वजह से ना मिट्टी भी आ जाता है विंडो के पास, नहीं तो इतना ज़्यादा गंदा जो है ना, ये विंडो मेरा सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि मेरे दोनों विंडो के तरफ गमले रखे हुए हैं पीछे साइड से, तो इसकी वजह से। नहीं तो और तरफ के जो विंडो हैं उतने गंदे नहीं होते हैं। तो साथ साथ में मैं सारा जो उसका रॉड लगा हुआ वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। जब साफ़ ही करना है तो अच्छे से साफ़ करना है पूरा। आज मेरे लिविंग रूम को मैंने एकदम अच्छे से डीप क्लीन कर दिया। वैक्यूम क्लीनर लगाने के बाद तो मैं सबको डीप क्लीन कर ही देती हूँ साथ साथ में, और एक भींगा कपड़ा भी रखती हूँ क्योंकि मतलब बिहारी है ना, बिना भींगा कपड़ा से उसको अच्छे से पोछे बगैर मेरा तो मन नहीं मानता है। देखिए, और ये जो दाग दिख रहा है ना, वो मतलब जंग टाइप का लगा हुआ है, गंदगी नहीं है, पूरा साफ़ हो गया और मतलब मज़ा आ गया। बस साफ़ करने के बाद मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बहुत ही तो मेहनत जो है ना पूरा काम कर गया। उसके बाद मैं चली गई पीछे साइड ताकि सारा विंडो जो है ना, ये जो लगे हुए रॉड उसकी वजह से हाथ नहीं जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं साफ़ कर रही हूँ थोड़ा सा मेहनत करके।
गाना मेरा चल रहा है पूरा फुल वॉल्यूम में और बस मैं काम कर रही हूँ, बिल्कुल थकावट नहीं, बहुत इंजॉयमेंट लगता मेरे को। ये ना बहुत हैप्पी आवर कह सकते हैं, गाना बजा लो और खूब सारा घर का काम करो, बहुत मज़ा आता है। ये बाहर का है थोड़ा, झाड़ू से मैं जितना सारा जाला लगा हुआ है वो सब हटा दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी, मतलब पूरा पोंछ लूँगी अच्छे से भीगा कपड़ा से, तो मेरा बाहर का भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये स्टूल लगाती हूँ, मुझे डर भी लगता है स्टूल चढ़ने में, मतलब कि बहुत लोगों का सुनते हैं कि भाई स्टूल से गिर गया, स्टूल से गिर गया, मतलब मेरे अपार्टमेंट में बहुत लोगों के साथ ये हादसा हुआ, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत संभल करके स्टूल पर चढ़ रही थी, और आप लोग भी जब भी स्टूल वगैरह यूज़ करें तो बहुत संभल के करें, अगर अदरवाइज़ तो लैडर आता ही है ऊँचाई में काम करने के लिए, वो आप मंगवा सकते हैं, मेरे पास नहीं है और मुझे मंगवाना भी नहीं है, एक तो वो एक्स्ट्रा प्लेस लेता है और फिर स्टूल से मेरा काम चल जाता है तो मैं उसे क्यों मंगवाऊँ, फिर वही बात होगी, मुझे फिजूल खर्च ना करना बिल्कुल पसंद नहीं। और एक और अच्छी बात है ना कि मुझे ना घर पूरा भरा भरा, ऐसे ही मेरे घर में आप देखते होंगे बहुत सारा सामान है, भरा भरा लुक आता है। मेरा वैक्यूम सारा क्लीन का काम ख़त्म हो गया, मैं इसको रख दे रही हूँ अपने वापस उसी प्लेस पे, तो जो सामान जहाँ से लाएँ पहले उसको वहाँ पर रख लें, इससे काम ना उसी समय निपट जाता है और घर भी साफ़ रहता है और अरेंज भी रहता है। सारा जो मेरा ये रूम था वो डीप क्लीन हो गया, बस मेरे को एक यहाँ पे कबर्ड है सामने में, उसको देख करके इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना वो कबर्ड मतलब एक महीने में ना इतना गंदा और इतना मतलब मैसी हो जाता है कि आपको मैं क्या बताऊँ, तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी तभी नहाना वहाना का काम करूँगी। ये मेरा बेडरूम है, इसको भी मैं थोड़ा सा फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ। और बस ये रूम भी अरेंज हो गया, और ये दोहर मैंने परसों ही बनाया है, आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, पुरानी बेडशीट रीयूज आइडियाज़। और अब ये देखिए मेरा जो लिविंग रूम के सामने का जो कबर्ड है, क्या हालत हो गई है इसकी, इसको भी मैं फटाफट से अरेंज कर लूँगी ताकि मतलब मूड ठीक रहे। अगर घर मैसी होता है ना तो एक तो आपका मतलब लगता है नेगेटिविटी सारे घर में फैल गई है, तो पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं अगर सारा घर अरेंज हो अच्छे से, सब कुछ सारा सामान अपने जगह पे हो और सब कुछ ऐसे ना, अगर सारा सामान जगह पे रहता है ना तो आसानी से मिल भी जाता है, उसका एक प्रॉपर प्लेस होता है, आपको पता होता है, बच्चों को पता होता है, हस्बैंड को पता होता है कि उसका ये प्लेस है तो मिल जाता है। ये मैंने देखी DIY एक रैक बनाया था, वो मैं अंदर रख दे रही हूँ, छोटे छोटे निक नॉक है जो उसकी का कुछ कुछ खिलौना आयरन ये सब वगैरह ये सब मैं अंदर ही रख दूँगी, बाहर में रहता था तो थोड़ा सा लुक खराब आता था घर का, तो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ अलमीरा के अंदर ही, और अलमीरा को भी मैं ठीक ठाक कर ले रही हूँ, पेपर हेलमेट ये सब सारा यहीं पे रहता, और जो कपड़े धोबी के पास जाने हैं वो सारे कपड़े भी इस यहीं पे जो मेरा DIY बॉक्स है उसमें रहता है।
मैंने क्लीन कर लिया सारा अंदर का वार्डरोब, जितने स्पॉट थे ना मैं सारे कॉलिन डाल करके अच्छे से साफ़ कर ली। और फिर जब मैं हैंडल देखी ना तो मेरे को तो आश्चर्य हुई, हैंडल में इतने सारी गंदगी चिपकी हुई थी कि वो जब मैं कॉलिन से साफ़ करी तो वो साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो उसको फिर मैं ना स्क्रॉच ब्राइट ला करके और उससे भी साफ़ नहीं हुआ। फिर स्टील वूल लाई, जैसे मैं बर्तन जो होते हैं कढ़ाई वगैरह साफ़ करती हूँ उसको ला करके उससे साफ़ की, तब वो ऐसा साफ़ हुआ ना, मैंने को मतलब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। देखिए स्टील वूल से उसको साफ़ करना पड़ा, बहुत जमी हुई थी गंदगी इसके समय, तो स्टील वूल से रगड़ने के बाद ही वो गंदगी गई। और मतलब इसको देख करके बड़ा चला, कभी ध्यान नहीं गया हैंडल पे कि हैंडल में इतनी ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो अगर आपके घर में भी ये हैंडल ऐसे इग्नोर हो रहा हो तो एक बार ध्यान दें, और उसको अगर बहुत गंदगी जमी आराम से स्टील वूल में थोड़ा सा डिश लिक्विड लें और उससे मल दें, ये आराम से साफ़ हो जाता। आज मेरे घर में एक नया मेम्बर आया है, ये खटिया, मैंने नए वाले घर में बहुत साल पहले अमेजॉन से मंगवाया था और अब मैं इसको यहीं पे ले आई हूँ क्योंकि वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था और बहुत गंदगी हो रही थी, अब यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो लाए हैं बहुत दिन बाद तो इसको वॉश कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है क्या ख़राब लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।